आप इसे कहें इंडो चाइनीज या चिंडियन, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रकार का खाना है सबसे प्रचलित बाहर का खाना इंडिया में। स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज हम बनाएंगे चाइनीज खाने का सबसे प्रचलित सूप, जो है हॉट एंड सार सूप। ये स्वादिष्ट सूप है तीखा और खट्टा और समन्वय है सब्जियों और सॉसेस का। इसकी अनोखी फ्लेवर आती है विनेगर, सोया सॉस और हरी मिर्च से। उसमें डाल सकते हैं हरे प्याज और चिकन, बना देता है इसको एक बहुत संतोषकारक सूप। तो आइए बनाते हैं। जो सामग्री हमें चाहिए वो है गोभी, उबला हुआ चिकन, हरा भाग हरे प्याज का, सफेद भाग हरे प्याज का, कॉर्नफ्लावर, धनिया, नमक और काली मिर्च, हरी मिर्च, गाजर, मशरूम, फ्रेंच बीन्स, कटा हुआ अदरक और लहसुन, सोया सॉस, विनेगर, केचप, शक्कर और चिली सॉस। हम शुरुआत करेंगे पैन को गर्म करने से। डालेंगे थोड़ा तेल, ज़्यादा नहीं, लगभग 1 से 2 चम्मच। जब तेल गर्म हो जाए तो हम डालेंगे थोड़ी शक्कर और इसे पिघलाएंगे। इसे कैरामलाइज करने का कारण है सूप को अच्छा ब्राउन रंग मिलेगा। ज्यादा नहीं, लगभग 1 से 2 चम्मच। इसे हिलाते रहिए, अगर आप नहीं चलाएंगे तो शक्कर जल जाएगी। देखिए ये सुंदर कैरमल कलर को। जब ये फोम करना शुरू करे तब हमें पता ये हो गया। डालिए इसमें अदरक और लहसुन, ध्यान रखिए ये तड़तड़ने वाला है। डालिए हरी मिर्च, हरा भाग लेंगे हरे प्याज का और थोड़ा सा मैं बाजू पे रख दूंगी बाद में गार्निशिंग के लिए, सफेद भाग हरे प्याज का और थोड़ा धनिया। हम यहाँ पे धनिया डाल रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से आता है एक अच्छा गाढ़ा स्वाद। अब मुझे खुशबू आ रही है कि लहसुन हमारा पक चुका है। अब हम डालेंगे हमारी सब्जियां। शुरुआत करेंगे गाजर से। अब डालेंगे फ्रेंच बीन्स और गोभी। इसमें आप डाल सकते हैं अपनी पसंद की सब्जियां, जैसे आप चाहें तो आप डालिए सब्जी जैसे सूरन, या तो फिर लाल गोभी जो आती है सर्दियों में, ये सब आप पे है। इसे पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे बड़ी आंच पे। सिर्फ देखिए इन सुंदर रंगों को। अब इस वक्त हम डालेंगे स्टॉक, हमारा वेजिटेबल स्टॉक। बहुत ही आसान है बनाना वेजिटेबल स्टॉक। मैं क्या करती हूँ कि मैं लेती हूँ थोड़े से सब्जियाँ, डालती हूँ उसे प्रेशर कुकर में थोड़े से पानी और नमक के साथ और सीटियाँ बजा लेती हूँ 1 से 2। फिर मैं उसे छान लेती हूँ, लिक्विड को अलग कर देती हूँ और सब्जियाँ बाजू पे रखती हूँ। अब हम डालेंगे हमारे मशरूम्स। थोड़ा सा और पानी। जब तक कि सूप उबलता है हम जाएंगे और बना लेंगे हमारी स्लरी। लेंगे कॉर्नफ्लावर जो हमारे सूप को गाढ़ा बनाएगा, तो मैं लूंगी लगभग 3 से 4 चम्मच। केचप, चिली सॉस आप डाल सकते हैं ज्यादा या कम, जैसे आपके परिवार को पसंद हो। सोया सॉस जो है एक प्रधान सामग्री चाइनीज खाने की। नमक और काली मिर्च। मिला लीजिए सब कुछ थोड़ा पानी डाल के। सब कुछ अच्छे से मिलाइए और ध्यान रहे कि गट्ठे ना रह जाए। अगर गट्ठे रह गए तो आपका सूप बन जाएगा लंपी, इसलिए ध्यान रख के सब कुछ अच्छे से मिलाइए। एक बार आपका सूप उबलने लगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम डालेंगे हमारा कॉर्नफ्लावर स्लरी मिक्स धीरे से।
डालते समय ध्यान रहे कि आप हिलाते जा रहे हैं, वरना कॉर्नफ्लावर चले जाएगा सबसे नीचे और गाढ़ा हो जाएगा। हमारा सूप लगभग तैयार है, हम इसे गाढ़ा होने देंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये हो गया है अच्छे से गाढ़ा। इसमें हम डालेंगे धनिया और थोड़े से हरे प्याज। अब डालिए आपका पका हुआ कटा हुआ चिकन, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। हम डालेंगे इसे अंत में, क्योंकि एक चिकन ज्यादा पकना नहीं चाहिए और दूसरा सूप पहले अगर गाढ़ा हो जाता है तो वो चिकन को नीचे बैठने नहीं देगा और अच्छे से फ्लोट करेगा। हमारा सूप अब तैयार है और मैं इसे सर्व करने वाली हूँ हमारे सुंदर सफेद बोल में। देखिए तो कलर को कितना सुंदर है। और अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया के साथ और डालेंगे थोड़े से हरे भाग को हरे प्याज के। इस सूप से खाने की शुरुआत करना एक अच्छा आइडिया है। इस सूप में अदरक और काली मिर्च जैसे भूख रहती है कंट्रोल में। इस सूप की एक अच्छी बात है कि इसे आप बना सकते हैं लाइट ब्रॉथ की तरह, जिसके लिए सिर्फ कॉर्नफ्लावर ना डालें, ज्यादा सब्जियां और चिकन डालेंगे और ये बन जाएगा पौष्टिक।